नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ द लोक नीति। बिहार की नई सरकार का बंटवारा, जितने ज्यादा विधायक उतना ही पार्टी का सत्ता में हिस्सा। 21 विभाग के साथ और जेडी टॉप पर, वहीं जेडीयू के हिस्से में 12 विभाग। महागठबंधन की नई सरकार, बिहार में अब नई महागठबंधन सरकार में पार्टियों की हिस्सेदारी पर चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल में उस पार्टी को ज्यादा हिस्सा मिलेगा जिसमें एमएलए ज्यादा होंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल में किसे कौन सा विभाग, किस दल को कितने मंत्री पद और किस दल को कितना वजनदार विभाग दिया जाएगा, इस पर मंथन शुरू हो जाएगा। एनडीए सरकार में अभी तक भाजपा का बड़ा रोल था, दूसरा नंबर पर जेडीयू और तीसरा नंबर पर हम का था। लिहाजा तीन पार्टियां होने की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, लेकिन अब सत्ता में आधा दर्जन पार्टियां भागीदारी कर रही हैं, इसलिए विभागों में बंटवारे में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। कांग्रेस में विधानसभा अध्यक्ष का पद भी मांगा है, बिहार में 44 विभाग है। इन विभागों में संख्या के आधार पर हिस्सेदारी होती है, तो सबसे ज्यादा मंत्री पद आरजेडी के खाते में जाएंगे। ये तेजस्वी पर निर्भर करता है कि वो जितने विभाग हैं उतने मंत्री रखेंगे या किसी एक मंत्री को अतिरिक्त विभाग देंगे। बंटवारे का गणित, ऐसे हो सकता है बंटवारा। हिसाब के मुताबिक 164 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा है। इसमें आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, लेफ्ट के 16, कांग्रेस के 19, हम के 4 और एक निर्दलीय की हिस्सेदारी है। 44 विभागों का बंटवारा किया जाएगा तो 3.72 विधायक पर एक विभाग का हिस्सा पड़ता है। संख्या के मुताबिक आरजेडी को 21 विभाग मिलेंगे, वहीं जेडीयू को 12 से संतोष करना पड़ेगा। लेफ्ट के 4 विधायकों का समर्थन रहेगा, हम और निर्दलीय को एक एक मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ सकता। अब ऐसे में महागठबंधन के दलों को तय करना है कि वे संख्या के आधार पर विभागों का बंटवारा कैसे करते हैं या फिर सिंबॉलिक व्यवस्था लाते हैं। हम और निर्दलीय विधायकों को पुराने विभाग मिल सकते हैं, जेडीयू को शिक्षा, जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, आपदा और जनसंपर्क विभाग दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक अभियंत्रण विभाग, मध्य निर्देश विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग भी दिया जा सकता। हम और निर्दलीयों को उनके पुराने विभाग फिर से सौंपे जा सकते हैं। नीतीश तेजस्वी ने मंगलवार को राज्यपाल से मिलने के बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की। नीतीश तेजस्वी ने मंगलवार को राज्यपाल से मिलने के बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की। अब तक नीतीश के पास 5 विभाग होते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 5 विभाग होते ही थे। अब सवाल ये है कि वे इन विभागों को दूसरे को देंगे या नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासन, गृह मंत्री, मंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग नीतीश अपने पास ही रखेंगे। आरजेडी की तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं, तो पथ निर्माण विभाग और नगर विकास अपने पास रख सकते हैं। वहीं आरजेडी के पास दूसरे बड़े विभागों में स्वास्थ्य, नगर विकास विभाग, वित्त, वाणिज्य कर, उद्योग, कृषि, श्रम संसाधन आदि हो सकते हैं। नए चेहरे जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, संभावित। धन्यवाद। आगे की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए द लोक नीति के साथ।